न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप बॉलीवुड खबरें। तो चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। अक्षय कुमार को लेकर सामने आ रही है एक बड़ी खबर। यशराज बैनर तले बनने वाली धूम 4 के लिए अक्षय का नाम कंफर्म होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर न ही अक्षय और न ही यशराज बैनर ने अब तक हामी भरी है। तो आइए देखते हैं आज की दूसरी खबर। शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान पर ईजी की बड़ी कार्रवाई। दरअसल इन दोनों पर शाहरुख खान की कंपनी कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ और 3 कंपनियों की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर दी है। आपको बता दें कि ईजी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मल्टीपल रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता और कोलकाता नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर यह कार्रवाई की है। इसी पर शाहरुख खान का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं आज की तीसरी खबर। करीना कपूर के कजन की शादी की धूम। जी हाँ, सोमवार को संपन्न करीना कपूर के बुआ के बेटे और अभिनेता अरमान जैन और अनीस मल्होत्रा की शादी में पूरे बॉलीवुड स्टार्स का जमावड़ा देखने को मिला। शादी में बच्चन परिवार, अंबानी परिवार के साथ ही करण जौहर, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, कियारा अडवाणी, ट्विंकल खन्ना जैसे कई हस्तियों ने शिरकत की। तो चलिए देखते हैं आज की चौथी खबर। बादशाह का हुआ कार एक्सीडेंट। मशहूर रैप सिंगर बादशाह का हुआ कार एक्सीडेंट। दरअसल पंजाब दिल्ली नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह धुंध होने के कारण उनके ड्राइवर को सामने का कुछ नजर नहीं आया, जिसके कारण उनकी गाड़ी रास्ते लैप पर चढ़ गई। हालांकि इस हादसे में बादशाह को कोई चोट नहीं पहुंची। वे एकदम सही सलामत कार से बाहर आने में कामयाब रहे। आगे की खबर है एक्टर शाहिद कपूर के बारे में। शाहिद कपूर धर्मा प्रोडक्शन की अगली फिल्म में आ सकते हैं नजर। प्राप्त सूत्रों के अनुसार करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए शाहिद कपूर को साइन कर लिया है। कहा जा रहा है कि यह एक देशभक्ति फिल्म है जिसमें दूसरे स्टार को कास्ट करने के लिए बातचीत चल रही है। धन्यवाद।